पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल करना आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। जी हाँ, यह सच है, क्योंकि यंग मरीजों की किडनी की बीमारी पेन किलर का सेवन करने की वजह से बढ़ रही है। अमूमन लोग सिर दर्द, जॉइंट दर्द और स्ट्रेस से बचने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की दवा किडनी को पूरी तरह डैमेज कर सकती है। वैसे किडनी खराब होने की एक वजह हमारी लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि हर साल देश भर में किडनी फेल होने के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट करने की वजह से महज कुछ हजार लोगों की ही जान बचाई जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलते ही नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपनी किडनी को आने वाले खतरों से पहले ही बचाया जा सके। डॉक्टरों के मुताबिक पेन किलर का असर तुरंत होता है, इसलिए लोगों को इसकी आदत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक दो महीने तक लगातार पेन किलर खाई जाए तो इससे किडनी डैमेज हो सकती है। वहीं किडनी फेल होने की स्थिति में दो ही इलाज हैं, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन दोनों ही सुविधाएं बहुत महंगी हैं, जिसकी वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। किडनी खराब होने के लक्षणों में चेहरे और पैरों में सूजन, भूख कम लगना, जल्दी थकान, ब्लड की कमी और हाई ब्लड प्रेशर है। वहीं बात करें कि हेल्दी किडनी के लिए क्या करें, तो इसके लिए नमक कम खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, पानी पीते रहें, इसके अलावा स्मोकिंग ना करें। इसके साथ ही नियमित समय पर किडनी की जांच कराकर खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए एडविन अमन के साथ अक्षय की स्पेशल रिपोर्ट।